नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीमा क्रिएटिविटी में। कैसे हो आप सब? हम आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको मूंगफली के मसाला नमकीन बनाना बताने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने लिया है एक कटोरी बेसन है ये, और एक कटोरी ही मूंगफली है, एक चम्मच हल्दी है, एक बड़ा चम्मच चावल का आटा है, और एक चम्मच ही वो मिर्च है, हींग, एक छोटा चम्मच हमने नमक लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक थाली ले लिया है बड़ी सी, ताकि अच्छे से फैलाते बन जाए। अब हम क्या करेंगे, इसमें बेसन डालेंगे। तो हम पूरा बेसन अभी नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा सा बचा ले रहे हैं। इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो पहले हम नमक लिए ले रहे हैं, ये हम नमक है, सादा नमक हमने लिया है, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, चावल का आटा, और अपनी मूंगफली। हमने हींग लेने लिया अभी तक, तो हम हींग ले लेते हैं, एक चुटकी हींग, उसको भी इसी में डाल देंगे हम। अब इन सबको मिला लेंगे अच्छे से। पहले हम इसी तरह से मिला लेंगे, फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमें पानी इसमें इकट्ठा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है। हमने पानी इसमें इकट्ठा नहीं डालना है, हमें ऐसे इस तरह से पानी डालना है। इकट्ठा पानी डालेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, पानी डालते जाएंगे और इन्हें मिलाते जाएंगे इस तरह से। हमें पानी कम लगेगा, फिर से हमें इसी तरह से कर लेंगे। और इनको इस तरह से मिला लेते हैं। इस तरह से हमें करते जाना, जहां पे थोड़ा ज्यादा लगे इकट्ठा हो जाए उनको इस तरह से अलग अलग कर देना है, सिंपल। और हमें थोड़ा, जैसे कि अब ऐसा है तो हमें इसमें अब कोटिंग करने के लिए बेसन और डालेंगे। बेसन डाल के इस तरह घुमाते हुए, इस तरह से घुमा के हम इसकी कोटिंग कर लेंगे, ताकि मूंगफली में अच्छे से बेसन लग जाए। बहुत ही आसान है, इस तरह से करते जाएंगे, बेसन हमारे मूंगफली में अच्छे से लगता जाएगा। देखिए, जब भी आपको थोड़ा वो से लगने लगे गीला, थोड़ा सा बेसन लीजिए, फिर से कोटिंग कर लीजिए। हमें डाल के इस तरह से कर लेना। मैंने इस तरह से इनको हाथों में इस तरह से करते हुए पूरे इस पे कोटिंग कर ली है, और बेसन हमारा अच्छे से सारी मूंगफलियों में लग गया है। तो चलिए अब चलते हैं फ्राई करने की तरफ। आप देख पा रहे होंगे, हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया। तेल हमारा गरम हो चुका है, तेल हमें मीडियम गरम ही चाहिए, और गैस को मीडियम से स्लो रखेंगे, हाई गैस नहीं रखेंगे। तो पहले मैं अपनी एक मूंगफली डाल के चेक कर लेती हूँ। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है, अब मैं इस पर अपनी मूंगफलियाँ डाल दूंगी।
इनको हमें तुरंत नहीं हिलाना है, डालने के बाद, डालने के एक मिनट बाद मैं हल्के से इस तरह से हिला देती हूँ। हल्के हाथों से हिलाएंगे नहीं तो इसके सारे कोटी निकल जाएंगे। बस इनको पकने देती हूँ दो से तीन मिनट के लिए मीडियम आंच पे मैं इनको पका लेती हूँ। हमारा 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसको एक बार हम और हल्के हाथों से हिला देते हैं और फिर पकने के लिए छोड़ देते हैं। स्लो आंच ही रखनी है हमें, ज़्यादा तेज आंच नहीं करनी है। हमारा टोटल 5 से 6 मिनट हो गए हैं और मूंगफली हमारे अच्छे से पक चुकी है, अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो मैंने एक थाली लिया है, उस पर ऊपर से सूखते रुमाल बिछा दिया है ताकि जो तेल हो इस पर ऑब्जर्व कर ले। अगर आपके पास तो आप भी इसी तरह से कर लेना। और दोस्तों एक बार आप लोग इस तरह से जरूर बनाकर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मैं दूसरी बार के भी मूंगफली अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ, कोटिंग की हूँ। गैस को मैंने स्लो रखा है। जब हमारी पक चुकी है हम इनको भी निकाल लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने पे, तो खाने में कितना अच्छा इसका टेस्ट होगा। आप लोग प्लीज इस बार से इस तरह से बनाकर जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करना। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी मूंगफली मतलब मसाले वाली मूंगफली बना ली। अब हम चाट मसाला लेंगे, थोड़ा सा इस पर मिला देंगे, इससे और अच्छा टेस्ट आएगा इससे। और बड़े करारी करारी मूंगफली है, कितनी अच्छी लग रही है ये मूंगफली की नमकीन। सबको अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो मैं इस तरह से इसमें चाट मसाला मिला देती हूँ ताकि इसमें और अच्छा टेस्ट आए। गरम गरम मूंगफली में ही मिला रही हूँ। मूंगफली हमारे बनकर तैयार है। मसाले वाली मूंगफली नमकीन बनकर तैयार हो चुकी है खाने के लिए। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे मैं को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।